पंजाब में हुकूमत साजी जहांगीर तरीन और अलीम खान की चौधरी बरादरान की रहायश का आमद, तहरीक इंसाफ के वफद की चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। पंजाब में वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात पर मुशावरत हुई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा चौधरी बरादरान की रहायश का पर आमद हुई है, जहांगीर तरीन की मुलाकात में किन अमूर पर गुफ्तगू की गई है? तहरीक इंसाफ का आला सतही वफ जो है वो जहूलाई रोड पर जो परवेज इलाही की रहायशगाह पर पहुंचा है। जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, इसहाक खाकवानी इस वफद में शामिल है, जबकि सोई शुजात हुसैन, सोई परवेज इलाही, मोनस इलाही जो है वो मुस्लिम काफ की जानब से इस मुलाकात में शरीक है। अब बुनियादी तौर पर इस बात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस वक्त मुलाकात जो है वो जारी है कि जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के इंतखाब है उसमें जो पार्टी सिंटेंस है उसका जायजा लिया जा रहा है कि इस वक्त पीटीआई का जो नंबर है वो पंजाब असेंबली में 189 पहुंच चुका है और ये सफिशिएंट नंबर है, जबकि इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ मुखालिफ जो इतिहाद है उसके पास सिर्फ 171 अरकान है। सो पीटीआई और काफली का जो इतिहाद है इस हवाले से उस पर मशावरत हो रही है कि अरकान की हाजिरी को कैसे यकीनी बनाना है और 14 अगस्त को जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है पंजाब की इतिहादी जमातों की उसके हवाले से मशावरत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।